तो किस्मत की बड़ी खबर का करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ के धमकाने में खुद का नाम लिए जाने पर जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि आइंदा इस तरह का व्यवहार ना हो। स्वाति सिंह को चेतावनी यहां पर बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। सीओ को यहां पर लगाई गई है बाकायदा मुख्यमंत्री की ओर से। कहा गया है इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। लखनऊ कैंट के सीओ को धमकाने का यहां पर आरोप स्वाति सिंह पर लगा था। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहे, मंत्री स्वाति सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फटकारा यहां पर गया है। ये फटकार काम कितनी आती है सवाल तो इस बात को लेकर है, संदेश जाता है या नहीं जाता है। क्योंकि और हम आपको बता दें, दरअसल स्वाति सिंह का वो जो कथित ऑडियो है वो सुनाते हैं जिसमें वो सीओ कैंट को धमकाते हुए नजर आए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सीओ साहब, आपने आंसल का कोई एफआईआर लिखा है क्या आंसल पे? हाँ, एक कनोडिया करके थी, वो पति पत्नी का मैटर था, उसमें लिखा हुआ था। लिखा आपने? आपको पता नहीं है कि ऊपर से आगे से भी कोई एफआईआर अभी लिखा नहीं जाएगा? सारे फेक एफआईआर लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर। नहीं, वो तो जांच करके लिखी गई थी। कौन सी जांच हो गई भाई, कौन सी जांच हो गई? इतना हाई प्रोफाइल केस है, पूरा जांच चल रहा है, सीएम साहब तक के संज्ञान में चीजें हैं। आप कौन सी जांच करनी चाहते हैं आपको? ये तो पहले की एप्लीकेशन है ना, उसकी 5-6 महीने पहले फर्जी है साहब, खत्म करिए उसको। एक दिन आके बैठ लीजिएगा अगर यहाँ पे काम करना है तो, ठीक है? मैं गलत काम नहीं बोलती हूँ, पता कर लीजिएगा। हेलो, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि ये वो ऑडियो है जो बातचीत यहाँ पर हुई है स्वाति सिंह की, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। आखिर है कौन वो? कार्रवाई की बात, अब सवाल कार्रवाई को लेकर हो रहा है। देखिए अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, यहाँ पर नाराजगी तो जाहिर कर दी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि स्वाति सिंह का विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा है। पहले भी ये दो बार विवादों में चर्चित रही हैं। पहला मैं बताता हूँ कि एक बियर बार का इन्होंने उद्घाटन कर दिया था, उसको लेकर पार्टी ने और सरकार ने इनको फटकार लगाई थी मंत्री रहते हुए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक दलित ने एफआईआर दर्ज कराई थी मोहनलालगंज में, और उसके एफआईआर को वापस करने के लिए उन्होंने इंस्पेक्टर पे उसको गालियां दी, उससे दबाव बनाया। तो स्वाति सिंह इस तरह से काम करती है, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री का उन्होंने नाम लिया है उसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज है, और उन्होंने स्वाति सिंह को अपने यहाँ तलब किया। और तलब करने के बाद ये सीधा सवाल पूछा कि आपने मेरा नाम कैसे और किस इतिहास पे लिया, और हमारे जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि स्वाति सिंह का जो ऑडियो है उसकी पुष्टि हो गई है कि ऑडियो में स्वाति सिंह की ही आवाज है, क्योंकि डीजी ने सुबह ही इस पूरे मामले पे जांच के आदेश दे दिए हैं। अब इसमें आगे फर्दर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि स्वाति सिंह लगातार पार्टी पर, सरकार पर एक जो है एक लाइबिलिटी बनती जा रही है, और सरकार भी इस बात पे विचार कर रही है कि आखिर इसको लेके किस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से स्वाति सिंह धमका रही है सीओ को, आप उसका लहजा देखें कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप हमारे साथ बैठ के बात करिए, कौन सी बात होनी है। और सवाल है कि जिस बात की पैरवी स्वाति सिंह कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर कोई मामला जांच करने के बाद अगर उसकी एफआईआर लिखी गई है तो उसके ऊपर उन्होंने बाकी अफसरों से इस बात को क्यों नहीं कहा, उसके ऊपर एडिशनल एसपी परेशानी क्या है? समस्या तो इस बात को लेकर है ना, उन्हें परेशानी किस बात से है? उनको परेशानी क्या है? अगर जांच में सारी चीजें फैक्ट सब सामने आ जाएगा तो एफआईआर अपने आप फैक्ट हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मंत्री होते हुए भी स्वाति सिंह अगर इस बात को समझ नहीं रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, उनका पूरा कार्यालय इस पूरे मामले को देख रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में की जा सकती है। बात उसी सवाल उसी बात को लेकर जाहिर तौर पर अरविंद की, देखिए आपने खुद इस बात का जिक्र किया है कि बड़ी मशहूर नहीं है मोहतरमा अपने बयानों को लेकर, अब भी अड़ी हुई है। ठीक है, मुख्यमंत्री की ओर से फटकार लगाना जरूरी था, लेकिन सवाल कार्रवाई को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी स्वाति कई बार विवादित हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है इस पूरे मामले पे अपनी रिपोर्ट मंगा रहा है, जानकारी मिली है कि जो पीड़ित है उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई जा रही है कि जो सीओ वीनू सिंह ने जो कार्रवाई की है, और जो पीड़ित है, क्योंकि कोई आदमी बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और घर जिंदगी में एक बार खरीदता है, और उस पैसे पे अगर कोई डाका डाले और उसको कोई मंत्री बचा ले तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ कि योगी सरकार की
नीयत नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री की ऐसी नीयत है, और स्वाति सिंह मुख्यमंत्री की नीयत को जो है बिल्कुल अरविंद, और ये जो बयानबाजी कर दी गई है स्वाति सिंह की ओर से, उसके बाद देखिए प्रतिक्रिया आना लाजमी है। अब देखिए इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, आपको सुनवाते हैं। पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम लिए जा रहे हैं, अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को कम दिखाने के लिए पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालती है कि मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं। दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, सरकार का आदेश है मुकदमे पंजीकृत न किए जाएं। ये इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वो पूरी तरह सत्ता के घमंड में पूरी तरीके से चूर है। आज जैसा कि कल वीडियो एक वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी का, जिसमें वो सीओ रही हैं, सीओ साहिबा को हड़का रही हैं कि, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हड़का रही हैं जो ऑलरेडी जेल में बंद है, और इससे लगता है कि सरकार अपराधियों के साथ है कि अपराधियों के खिलाफ है, ये आप निश्चित तौर पर इस ऑडियो में समझ सकते हैं। वो पूरी तरह सत्ता के घमंड में पूरी तरीके से चूर है। आज जैसा कि कल वीडियो एक वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी का, जिसमें वो सीओ रही हैं, सीओ साहिबा को हड़का रही हैं कि, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हड़का रही हैं जो ऑलरेडी जेल में बंद है, और इससे लगता है कि सरकार अपराधियों के साथ है कि अपराधियों के खिलाफ है, ये आप निश्चित तौर पर इस ऑडियो में समझ सकते हैं। वो पूरी तरह सत्ता के घमंड में पूरी तरीके से चूर हैं। आज जैसा कि कल वीडियो एक वायरल हुआ है, ऑडियो वायरल हुआ है माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी का, जिसमें वो सीओ रही हैं, सीओ साहिबा को हड़का रही हैं कि, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। तो यहाँ पर एक मौका जाहिर तौर पर अब मिल गया है विपक्ष को निशाना साधने के लिए कि अगर इस तरह से मंत्री जो है बयानबाजी करेंगे, पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करने से रोकेंगे, तो जिस कानून व्यवस्था की जिस मौजूदा स्थिति को बेहतर करने की बात यहां पर सरकार करती है, वो होगा कैसे? इन बातों को लेकर लगातार यहां पर निशाने पर आ गई है अब सरकार। अगर यहां पे काम करना है तो ठीक है, मैं गलत काम नहीं।